होमोजीनियस, डिफरेंशियल, इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। होमोजीनियस फंक्शन, तो होमोजीनियस केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एकदम एक जैसा है ना, हर जगह पे सॉल्यूशन एकदम कंपोजिशन एक जैसा हो सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन का भी ऐसा ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि जितना भी टर्म एक एक्सप्रेशन में दिया गया है, जितना भी टर्म, उस सबका डिग्री सेम होना चाहिए। सबका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितना भी टर्म्स दिया गया है डिग्री सबका सेम, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसमें टर्म जो है हम लोग प्लस माइनस से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तीन टर्म है, एक दो तीन, तीनों का डिग्री कितना है, टू टू टू, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां देखिए इसका डिग्री कितना है टू, इसका डिग्री कितना है टू, इसका इसका भी टू है, वन और वन दोनों मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी डिग्री क्या हो गया है, टू हो गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ हाँ, सबका सेम होना चाहिए डिग्री, सिंपल सी बात है, उसको होमोजीनियस फंक्शन हम लोग कहेंगे। कुछ भी ले सकते हैं, और भी एग्जांपल्स मान लीजिए लिखते हैं, सपोज दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो ये सब सारा आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है, लिखिए पहले इतना नोट कीजिए, हो गया। तो ये था होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो भी, उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग केवल आपका होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए आपके पास इस चीज को समझने का, ज्यादा ज्यादा कुछ जो नहीं, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगा सकते हैं तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझना आसान है। कि उसका जैसे अगर आपको लिखा गया एफ एक्स करके कोई एक्सप्रेशन दिया गया, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ऐसा दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू, तो हम लोग एफ वाई क्या लिख सकते हैं, खाली x की जगह पे क्या कर देना है, y पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 ऐसा कर सकते हैं। अगर f अल्फा लिखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 5। अगर हम लोग f a प्लस बी लिखें तब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए प्लस बी माइनस 5। अगर हम लोग f अल्फा बाई बीटा लिखें तब क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा का स्क्वायर प्लस 3 इंटू अल्फा बाई बीटा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको f y बाई एक्स लिखें तब क्या होगा, y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई बाई एक्स माइनस 5, ठीक है ना। तो जो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये कहता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा इसी फॉर्म में होना चाहिए, एफ वाई बाई एक्स, यानी जितना वेरिएबल है सब वाई बाई एक्स ही रहे, डिग्री कुछ भी हो कुछ चलेगा, डिग्री तीन हो, जैसे इसका डिग्री क्या है, टू है, इसका डिग्री वन है, लेकिन जहां भी वेरिएबल है तो वाई बाई एक्स है, यहां भी है तो क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये बोल रहा है, वो होमोजीनियस फंक्शन था, ठीक है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है, कि जितना भी वेरिएबल है सब y बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, सब कुछ। अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनाइए। तो ये चीज जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जरूरी है, कंडीशन यही है कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना है, सारे वेरिएबल को दूसरे तरफ करना है, और उसको कुछ इस तरीके से सेट करना है कि सब कुछ वाई बाई एक्स के फॉर्म में रहे, जहां भी वेरिएबल है तो वाई बाई एक्स ही रहे, ठीक है ना।
चलिए इसको नोट कीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स के साथ में, और ये जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग सीखते हैं कुछ एक्सप्रेशंस को होमोजेनियस बनाने के लिए। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सप्रेशन, जिसको कि होमोजेनियस बनाने का तरीका हम लोग सीखेंगे। जैसे एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबका डिग्री 2 है कि नहीं है, तो होमोजीनियस तो ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, y बाई एक्स बनाना है हर जगह। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको हम लोग जो है, सबका डिग्री 2 है ना, तो अगर डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, अगर सबका डिग्री 1 है तो एक्स से डिवाइड कर दीजिए, अगर सबका डिग्री 3 है, जो कि मिलेगा नहीं, जो चांस कम है, तो सिंपली डिग्री 1 है डिग्री 2 मिलेगा, तो डिग्री 1 है तो एक्स से डिवाइड कीजिए, और डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर वाई से, नहीं चला, एक्स स्क्वायर से कीजिए। ठीक है ना, अगर जो दिया गया आपका होमोजीनियस फंक्शन है उसका डिग्री 1 है तो उसको डिवाइड करना है एक्स से, और डिग्री अगर 2 है तो डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ डिग्री कितना है, 2 है, तो डिवाइड किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2x2 बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों कर दिए तो ये कट गया, ये कट गया, यहां से x कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो अब dy बाई dx आपका क्या बन जाता है, 2 इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर बाई 2। तो देखिए ये जो खाली वाई बाई एक्स का फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये बन गया आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है वाई बाई एक्स ही आना चाहिए। हाँ, वाई बाई एक्स ही लाना है, यही काम है आपका। ठीक है ना, कहीं भी होमोजीनियस अगर आप देखिए होमोजीनियस फंक्शन नहीं, कहीं भी रहे वाई बाई एक्स रहना चाहिए। हाँ नहीं, ठीक है ना, डिग्री से मतलब है, डिग्री किसके लिए, एक्स और एक्स स्क्वायर चूज करने के लिए, हाँ डिवाइड करने के लिए, तो डिग्री सेम ही रहेगा तभी होमोजेनियस कहेंगे। ठीक है ना, तो डिग्री सेम रहेगा ही रहेगा, वो तो हम एग्जांपल लिए थे उसमें नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन डिग्री तो सेम रहेगा ही। तो डिग्री जहां आपका सेम रहेगा, तो अगर डिग्री 1 है सबका तो एक्स से डिवाइड कीजिए, डिग्री 2 है तो एक्स स्क्वायर से कीजिए, कीजिएगा तो आगे चल के चेंज होकर के अपने आप वो वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, और क्वेश्चंस देखते हैं, पहले चेंज करना ही सीख लेंगे अच्छे से, क्योंकि जो भी है सो चेंज करने में ही है, बाकी क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है, दिमाग चेंज करने में ही लगाना पड़ता है। हो गया, चलिए आइए और देखते हैं कुछ एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, तो यहाँ डिग्री कितना है, 1 है, तो डिवाइड किसे करेंगे, एक्स, सिंपल सा बात है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर तो वाई बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई बाई एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा तुरंत जल्दीबाजी में ले लेते हैं, दिया गया है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक्स का डिग्री कितना है, वाई का डिग्री, और इसका, ये देखिए ये इसका भी 1 ही है, क्या कि रूट के अंदर है, तो 2 × 1/2 1 ही होगा, ये भी रूट के अंदर है 1/2, तो सबका डिग्री कितना है 1, तो डिवाइड किसे करेंगे एक्स से, तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और यहाँ भी एक्स। ठीक है, तो ये तो कट गया, हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बराबर, इधर देखिए अब रूट के बाहर एक्स है, अंदर भेजना पड़ेगा, तो बाहर एक्स है तो अंदर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स को अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही जाएगा ना,
क्योंकि डिवाइड तो करना है ना, तो अंदर जाएगा तब तो डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, तो ये कट के हो जाएगा वन, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बराबर अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए सारा वाई बाई एक्स हो गया, लिख देंगे वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ठीक है ना। दोनों एग्जाम्पल नोट कीजिए, हुआ? चलिए आइए और देखते हैं कुछ एक्सप्रेशन, दो तीन और देख लेते हैं तब क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है, जो है सो वाई बाई एक्स बनाने में ही दिमाग लगाना है, उसके बाद एकदम आसान है। अभी तो जैसे चेंज किए काहे ले, अभी तो केवल जो है होमोजीनियस बनाने के लिए सिखा रहे बनाने हैं अभी आगे आएगा, लेकिन आगे का प्रोसेस पता है पहले से हम लोग को क्या करना है, लेकिन पहले जो है होमोजीनियस बनाने के लिए सीख रहे हैं। जैसे अगला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहला काम तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कीजिए, तो ये तो सिंपली जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आ जाएगा, आई वाला उधर डिवीजन चल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ डिग्री कितना है, डिवाइड किससे होगा, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डिवाइड करेंगे वन हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस वाई बाई एक्स हो गया, है कि नहीं। एक रूट वाला और देख लेते हैं ताकि हम लोग का जो है समस्या दूर हो जाए। क्वेश्चन है एक एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट फिर से आया माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट है इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर जीरो। तो देखिए डिग्री चेक कीजिए सब का, यहाँ डिग्री कितना है टू, यहाँ डिग्री टू, इसका वन, आई दोनों का मिल गए वन, तो कितना हो गया सबका डिग्री टू है, डिवाइड किससे होगा। हाँ अरे रूट में है, तो रूट में है तो ये दोनों रूट कैंसिल ना होगा। हाँ है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो डिग्री टू है तो डिवाइड किसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से, ये कर देते हैं। तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर जीरो। काटिए एक्स, ये कट जाएगा। अब एक्स जो है बचा तो रूट के अंदर जाएगा ना, तो रूट के अंदर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ एगो कट जाएगा प्लस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बराबर जीरो, तो ये कट के वन हो जाएगा। तो अंडर रूट वन प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई, ऐसा कर सकते हैं। अब डी एक्स उधर भेज दें, अब वाई बाई एक्स इधर ले आए, तो वाई बाई एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स उधर चल जाएगा, तो सारा वाई बाई एक्स बन गया ठीक है, तो आपका बन गया फिर से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री खोज के डिवाइड कर देना है आपका बन जाएगा। छापिए इसको, अब सवाल बताएंगे हो गया। चलिए देखिए अब जो है क्वेश्चंस, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे थे, बना रहे थे, पिछले दो एक्सरसाइज यही किए हैं कि डिफरेंशियल दिया हुआ है उसको डी वाई को अलग करना है, डी एक्स को अलग करके इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर होमोजीनियस दिया हुआ है तो होमोजीनियस वाला क्वेश्चन बनाने का तरीका है एक,
उसमें कुछ कुछ एक दो स्टेप शामिल है, जो कि स्टेप शामिल करके और हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं। अगला सवाल है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स है। ये है क्वेश्चन, इसको बनाना है, सॉल्यूशन इसका निकालना है। तो होमोजीनियस दिख रहा है, डिग्री वन वन वन, तो होमोजीनियस है तो पहले इसको वाई बाई एक्स बनाना होगा। तो डिग्री वन है किसे डिवाइड करेंगे, एक्स से। आइए कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस वन और वाई बाई एक्स प्लस वन, बन गया होमोजीनियस। अब क्या बोले थे, रटा रटा यस्ट, वाई बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहला को छोड़िए दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा को छोड़िए पहला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। इधर हर बार यही आएगा, उधर कभी कुछ नहीं बदलेगा। इस समय रटा रटा है, क्वेश्चन बनाइएगा ना, आगे चल के इस सब स्टेप अपने से स्किप मारने लग जाइए। अभी तो वही वही वे करें तो का लिखे बार बार अलग, ठीक है ना। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर हर बार आपको क्या मिलेगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इधर और कुछ मिलेगा ही नहीं। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या करना है, यहां से उठा करके पुट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, वाई बाई एक्स माइनस वन बाई वाई बाई एक्स प्लस वन बराबर वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब क्या बताए थे, वाई बाई एक्स की जगह पे देखिए, वाई बाई एक्स की जगह क्या पुट जाएगा, वी हो जाएगा। यहाँ पे वाई बाई एक्स बराबर वी हो जाएगा, रख दीजिए वी माइनस वन बाई वी प्लस वन बराबर v प्लस, बराबर कहा है, तो बराबर तो ही ना रहेगा, x इंटू वी को, v को तो रखना ही है, v क्यों हटाएंगे, अब v हटा देंगे उधर हटा देंगे, तो सब हटा ही दीजिएगा, तो फिर तो जो है झोल झाल हो जाएगा। चलिए तो अब जो है v और x खाली बचा है हमारा, तो v वाले को एक तरफ करेंगे, x को अलग, तो पहले तो v को इधर लाना होगा ना। तो v माइनस वन बाई वी प्लस वन माइनस वी बराबर एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम क्या आ जाएगा, वी प्लस वन, तो वी माइनस वन माइनस वी इंटू वी प्लस वन हो जाएगा ऐसा। अब ये सब जो है अगर नहीं आएगा मैथ का छोटा छोटा चीज, तो फिर जो है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी बाई वी प्लस वन बराबर एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, भी कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वी स्क्वायर बाई वी प्लस वन बराबर एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा ऐसा। आगे तो अब जो है एक्स और डी एक्स को एक तरफ और ये दोनों को एक तरफ कर देंगे, तो इधर आ जाएगा वन बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर, माइनस रखना चाहते हैं तो रख देते हैं इधर ही, ठीक है ना। उधर क्या आ जाएगा, वी प्लस वन ऊपर हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वन नीचे हो जाएगा इंटू डी वी। अब क्या कर देना है, इंटीग्रेट ऐसे ऐसे, ठीक है ना, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा बराबर। अब यहाँ इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन जो है बनाइए ऊपर में, ठीक है, टू वी प्लस वन, तो अब सारा नियम इंटीग्रेशन वाला यहाँ लगा देना है आपको, ठीक है ना। अब वो काम आपका है आगे, जो भी हो जाए, ठीक है, क्या होगा आप जानिए, उसे हमको मतलब नहीं है। आइए इसको बना देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। वी प्लस वन बाई वी स्क्वायर प्लस वन है ना, तो इसका नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। बताए थे कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है तो डिफ्रेंसिएशन बनाइए, अब प्रोडक्ट दिया है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगे, तो प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, क्वाड्रेटिक दिया है। हाँ तो हाँ, वही करेंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, प्लस वन बाई वी स्क्वायर प्लस वन डी वी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन टू भी होता है ना, तो टू से मल्टीप्लाई या टू से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब डिफरेंशिएशन टू भी है ना होगा, इसका टू भी इसका जीरो, तब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मिल गया, तो अब डायरेक्ट लॉग जेड मार देंगे, तो इधर हो गया माइनस लॉग एक्स बराबर वन बाई टू इंटू लॉग वी स्क्वायर प्लस वन प्लस इसका टेन इनवर्स, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो टेन इनवर्स वी हो जाएगा प्लस सी। अब हो गया सॉल्यूशन, मिल गया है ना, डिफरेंशियल हट गया आपका,
तो अब क्या कीजिए, वी के जगह वाई बाई एक्स पुट कर दीजिए। अब जहां जहां वी है तो माइनस लॉग एक्स बराबर वन बाई टू लॉग वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस ये हो गया आपका फाइनल सोल्यूशन। समझ रहे हैं, बन जाएगा कुछ है नहीं, सब में रटा रटाया स्टेप है, एकदम सिंपल होमोजीनियस बनाइए, v बराबर y बराबर v x रखिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिए, हर बार यही आएगा v plus x dy by dx, और दूसरे तरफ dy by dx के वैल्यू यहां से उठा करके पुट कीजिए, जहां y by x है वहां भी पुट कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, बनाने का कोशिश कीजिए इसको, ये पूरा सर हाँ एक्सरसाइज पूरा।